ये लेक्चर कौन सा है, फोर है क्या? लेक्चर थ्री। तो स्टूडेंट ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया कि एवरेज जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर रहता है वो क्यों होता है, क्यों रहता है? नहीं, इसका मतलब उस कंपाउंड में, यस यस, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का अगर मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा तो इसका मतलब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है तो डैम श्योर उस एलिमेंट का मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? बट इसका उल्टा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उल्टा क्या कि अगर इंटीग्रल है देन, इंटीग्रल है इसका मतलब ये नहीं कि मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, यस, लेकिन फ्रैक्शनल रहेगा तो डैम श्योर होगा। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने एक लिए थे ना, फॉर एग्जाम्पल एक एफ ई थ्री ओ फोर का तो एग्जाम्पल ले चुके हैं, एन एच फोर एन ओ थ्री, इसमें नाइट्रोजन का निकालिए, तो नाइट्रोजन का निकालेंगे तो नाइट्रोजन का एक्स मान लेंगे तो टू एक्स, और प्लस हाइड्रोजन का कितना मानिएगा, हाइड्रोजन का बदले क्या प्लस फोर लिख दें, और ऑक्सीजन के बदले माइनस सिक्स, तो यहां पे एक्स का वैल्यू क्या आया, यस yes. इसका मतलब है कि यहां पे नाइट्रोजन का ये प्लस वन है, राइट? तो एक्चुअल में इस ये फार्मूला जो लगाते हैं उससे हम लोग को एवरेज और इंडिविजुअल दोनों मिल सकता है। अगर ओनली वन नाइट्रोजन कहीं पर रहेगा तो डैम श्योर एक ही एलिमेंट है, क्लासरूम में एक ही स्टूडेंट है तो उसका इंडिविजुअल मार्क्स और एवरेज मार्क्स प्लस क्लास का सेम ही हो जाएगा ना, सेम सिचुएशन यहाँ पे है, राइट? लेकिन अगर इसको तोड़ कर देखिएगा तो स्टूडेंट आयनिक कंपाउंड के लिए खास करके मैं बता रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड में आप एक बार क्रॉस चेक कटायन और अनायन बनाकर भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन एच फोर प्लस और एन ओ थ्री माइनस, एग्री? एहन अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर एक्स मानते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस फोर इक्वल टू प्लस वन, दिस व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन केस ऑफ अमोनियम आयन, माइनस थ्री, वेरी गुड। और यहाँ पे अगर एक्स मानते हैं नाइट्रेट आयन में तो एक्स माइनस टू इंटू थ्री इक्वल टू माइनस वन, सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है बोर्ड, देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस फाइव। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन व्हाट द ऑक्सीजन नंबर नाइट्रोजन, सिंपली प्लस वन, फिर व्हाट द इंडिविजुअल हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, दैट दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन नंबर, वन इज माइनस थ्री अदर इज प्लस फाइव, राइट? तो एवरेज निकालने का शुभांकर दो मेथड, या तो ये फार्मूला से निकाल लें सर, बट यहाँ से एवरेज आया है, बट एवरेज इज कंपल्सरी कि एवरेज ऑलवेज फ्रैक्शनल ही रहेगा। मैंने ये बोला कि फ्रैक्शनल रहेगा तो डैम श्योर मोर देन वन रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज फ्रैक्शनल ही रहेगा एवरेज में, राइट? अब एक काम, एवरेज निकालने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि इंडिविजुअल निकाल के एवरेज निकाल लें, जैसे पिछले क्लास में बताए थे। यहाँ देखिए, माइनस थ्री वाला कितना नाइट्रोजन, वन, प्लस फाइव वाला कितना नाइट्रोजन, वन, और टोटल नाइट्रोजन कितना, दो, कितना होता है, टू होगा। तो यहां से, इस फार्मूला से और यहां से दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए तभी हम लोग करेक्ट हैं, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। हो गया, हटाएं, इसको हटाया जाए।
ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वीडियो के सहारे रहिए। एट वर्स्ट सिचुएशन नेटवर्क इशू हो जाए तो मैं तो वीडियो आज के डेट में अभी मैं 2-3 दिन से आप देखते होंगे कि आज का क्लास का वीडियो कल नेक्स्ट डे तक मिल ही जाता होगा, राइट। ये मैं अपना एक रूटीन बना लिया हूँ, बट फिर भी मैं प्रॉपर स्क्रीन शॉट लेकर अभी जैसे मैं क्लास में इन करने से पहले स्क्रीन शॉट लिया कितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं, और निकलूंगा तब भी देखूंगा। 2 मिनट पहले मैं बोल के रखा हूँ कि देख लेना है, ऐसा नहीं कि ज्वाइन किए फिर लीव कर गए, उसमें आप ही लोग का लॉस हो जाएगा। नहीं नहीं ये नहीं छोड़ेगा। प्रॉपर जब क्लास चलते रहता है तो वहाँ पे एक लोग रहते हैं लैपटॉप के सामने, जब तक मेरा क्लास चलेगा ना कंटिन्यूअसली रहते हैं। उसके लिए देखिए, अगर कोई नहीं पढ़ना चाहेगा तो उसको भगवान भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ये तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है ना, ये तो पर्सनल इंटरेस्ट है, उतना तो मैं समझता ही हूँ नंदन। मतलब जो लोग जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने बताया कि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, ऐसा नहीं कि कोरोना के बहाने हम लोग अपना पढ़ाई को हैम्पर कर ले, प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। पूरा सिस्टम डेडिकेटेड है कि कितना अच्छा से तैयारी करवाया जाए, कितना क्लास लिया जाए, तो प्लीज़ कोऑपरेट और उसमें आप अपना फ़ायदा लीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें लेट का बताइए, इसका एक्स मान लेते हैं 3x - 2 × 4 = what 0। देन 3x = कितना हो जाएगा 8, तो x = 8/3, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया इस, यहाँ तो पक्का लेड का मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। तो एक्चुअल में दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये इसका कंबाइंड ऑक्साइड है जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड, शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं, ये है प्लम्बस ऑक्साइड। लेड का दो टाइप का वैलेंसी, दो और चार, प्लम्बस ऑक्साइड प्लम्बिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसमें लेड का कितना ऑक्सीडेशन नंबर, तो सर इसमें लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +2, डायरेक्ट लिख दें x - 2 = 0, तो x = +2। और इसमें लेड का कितना, तो सर x - 2 × 2 = 0, देन x = कितना +4। एग्री, नहीं इसका फिर एक कंपाउंड में कोई रोल नहीं रहेगा, इसका रोल रहेगा एवरेज निकालने में, इसका एवरेज निकालना चाहते हैं ना, यहाँ पे रोल रहेगा। प्लस टू वाला कितना है और +4 वाला कितना है 1, और डिवाइड बाय टोटल कितना है 3, कितना है देखिए तो 8/3, यस ए रोल था। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट, एक कुछ एग्जांपल रहता है फिर ऑल दी आर द पार्ट ऑफ द योर सिलेबस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, डोंट वरी। प्लस असाइनमेंट में इतना सारा क्वेश्चन रहेगा, कुछ सिमिलर रहेगा, ऑटोमेटिक आपको आइडिया मिल जाएगा। हाँ
हाँ मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर से बना है, राइट? कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए, यस, उसके लिए जस्ट थोड़ा देर के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, ओके? चलिए इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर, राइट? ये तो बहुत फेमस है, कहाँ पे यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, यस, ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग बैक्टीरिया मारने में नाली वगैरह के किनारे छिड़काव करते हैं, राइट? पानी में डालते हैं कुआं में, कुआं का पानी अगर गंदा हो गया उसको पीने में यूज करना है तो पहले ब्लीच करते हैं, थोड़ा उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। और कम से कम 4 साल में मैं जिस हॉस्टल में था तब 10-15 kg ब्लीचिंग पाउडर पी ही गया होगा, मतलब पूरा ब्लीचिंग करके पानी आते रहता था। तो एक्चुअल में ये है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसको रट्टा मार जाइएगा। क्या करना है? ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, याद रहेगा? क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये लुकआउट नहीं है, ये बनता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया यहाँ तक? अब मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक्स मान लेते हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का तो पहले से ही पता है ना, तो इसका +2, ऑक्सीजन का कितना -2, और क्लोरीन का 2s इक्वल टू व्हाट? देन क्लोरीन का कितना आया? 0। इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कौन सा, इस एक फार्मूला से इंडिविजुअल मिलता है या एवरेज मिलता है? एवरेज क्या मिलता है? तो एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर के फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, CaOCl Cl CaOCl Cl, एग्री? इसका मतलब है कि यहां देखिए, इसको तोड़ कर तो देख ही सकते हैं आप लोग स्टूडेंट, कैल्शियम पे कितना चार्ज रहेगा? 2। अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इस पे कितना रहेगा सर? -1। और इस पे भी कितना रहेगा? -1। तो -1 -1 और +2 बिकम 0, ऐसे देख सकते हैं। ओके और तब यहाँ पे दो ग्रुप, एक में कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ है, सॉरी, एक में क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ है और एक में क्लोरीन अलग है। तो इसमें वो, इसमें एक्स मान लेते हैं, वो पहले इसका निकाल लेते हैं, राइट? और इसमें अगर एक्स मान लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, बोलिए सर? -2 + x = -1, देन x = व्हाट? +1। इसका मतलब है कि वन ऑफ द क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है, राइट? और इस क्लोरीन का क्या रहेगा? तो सर यहाँ पे तो सिर्फ क्लोरीन ही है, तो जो जो -1 रहेगा वो इसी का रहेगा, राइट? इसका मतलब ब्लीच ए ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर आपने पढ़ाया था लेकिन लगा कि बन जाएगा लेकिन छूट गया, आ सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? दे आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? हाँ ना, कुछ नहीं बोलेंगे, +1 -1, एग्री? चलिए हो गया यहाँ तक, तो किसी को प्रॉब्लम? देखिए जो भी ज्वाइन किए हुए थोड़ा भी कहीं पे डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ओके? ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं और वैसे भी लिखते हैं।
तो यहाँ से क्लोरीन का मैंने एक्स मान लिया एवरेज, तो एक्स मान लिया तो मैंने क्या लिखा, कैल्शियम का अल्कलाइन अर्थ मेटल का तो प्लस टू, ऑक्सीजन का माइनस टू, तो प्लस टू माइनस टू प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जीरो आया। तो यहाँ पे एक्स का ए फार्मूला से क्या मिलता है, इस फार्मूला से जनरली एवरेज मिलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज। इसका मतलब ये नहीं कि इस ये फार्मूला इंडिविजुअल नहीं देगा, किसी भी कंपाउंड में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का एक ही एटम है तो वही एवरेज उसका इंडिविजुअल हो जाएगा, राइट। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्लोरीन का अगर जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, तब एक नया क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। और फार्मूला भी नहीं दिया दिया रहेगा, बर्ड में लिखा रहेगा, मतलब आपको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद रहना चाहिए, CaOCl2। इसको ऐसे भी लिखते हैं CaOCl Cl, कैसे लिखते हैं CaOCl Cl। अब ए अल्कलाइन अर्थ, कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये तो पहले ही हम लोग कैटेगराइज कर दिए थे कि अल्काली मेटल का कंपाउंड में ऑलवेज प्लस वन लेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कंपाउंड में ऑलवेज प्लस टू लेंगे, एग्री। तो मैंने इसके लिए क्या लिख दिया, कैल्शियम 2+। तो कैल्शियम 2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो ग्रुप बनाए, एक्चुअली दो ग्रुप बनाए नहीं, ऐसे ही रहता है, ओ सी एल एक रहता है और सी एल अलग रहता है, एग्री। तो ओ सी एल एंड सी एल, ओ सी एल पे कितना रहेगा -1, और सी एल पे भी कितना रहेगा -1 -1 -1, कितना -2, ये क्या हो जाएगा +2, बिकम्स व्हाट जीरो, एग्री। तो आपको नहीं लगता कि कहने का सेंस ये हुआ कि सर जिसका भी बर्निल, जो आपके लिए बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल निकालने में एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, वी हैव मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड आउट, राइट। इसका मतलब इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालेंगे तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसमें एवरेज निकालने के लिए ये पता है कि क्लोरीन किसके साथ है या नहीं है, राइट। तो एवरेज निकालने के लिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता हो या ना हो डजंट मैटर, बट इंडिविजुअल निकालने के लिए मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट पता होना पड़ेगा, एग्री। अब चलिए, एक क्लोरीन का +1 आया, दूसरे का -1 आया, दोनों का एवरेज निकालेगा तो कितना आ जाएगा, लुकेश +1 वाला एक है और -1 वाला एक है, और डिवाइड बाय कितना 2 इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है ना। यहाँ देखिए, इसका कॉमन नाम क्या है स्टूडेंट, सर इसका कॉमन नाम है एसीटोन, राइट। और इसका फार्मूला C3H6O, यही रहेगा ना। व्हाट द एवरेज ऑफ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए सब लोग। तो ऑनलाइन स्टूडेंट, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या हम लोग ए लिख सकते हैं, देन 3x इक्वल टू कितना, इसका मतलब यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है 1.33, फ्रैक्शन आ गया, माइनस आया क्या, ओ सॉरी -1, इसका मतलब यहाँ पे लेकिन कार्बन का वैल्यू इंटीग्रल आया है, फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शनल ऑक्सीजन आता है डैम्स्योर उस कंपाउंड में, मतलब इस कंपाउंड में कार्बन का ओनली वन टाइप का ऑक्सीजन नंबर है इंडिविजुअली या मोर देन वन है, फ्रैक्शनल आ गया, मतलब इस एसीटोन में कार्बन का ऑक्सीजन नंबर मोर देन वन डिफरेंट टाइप का है, एग्री ना। अब सर मोर देन वन डिफरेंट टाइप का है, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको थोड़ी देर के बाद देख लेंगे। अब हेडिंग बनाइए,
कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, अब ब्रैकेट लिखेगा फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब ये ज्यादा काम में आएगा जहां पे, फिर से हेडिंग बनाइए कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, एग्री? और जनरली किस कहाँ पे ज़्यादा काम में आएगा, जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, कहाँ कौन सा बॉन्ड है, तो उसमें दो मेथड मैं पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड, लेकिन उसके नीचे नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, बाद में मेथड देखेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, अ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी नोन, क्या पता होना चाहिए बर्निल, अ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी नोन, ये इसका कह सकते हैं ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कि इंडिविजुअल अगर निकालना है तो उस कंपाउंड का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर कितना स्ट्रक्चर याद रखेंगे, तो आपसे उतना ही पूछा जाएगा जिस कंपाउंड का आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस पढ़ना है, राइट? अब उसमें फर्स्ट मेथड लिखे है, मेथड ऑफ, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब है, वैलेंस, फर्स्ट मेथड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब है प्लीज ऑडियो अपना बंद कर लीजिए, वैलेंस फर्स्ट मेथड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ से जो निकलेगा इंडिविजुअल, यहाँ देखना है, यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इंडिविजुअल, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग, मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग, लिखिए इसको बॉक्स में कर लेना है। अब यहां पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटेड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आफ्टर बॉन्डिंग,
इसको लिखिए, इसको मैं समझा रहा हूँ। मैंने बॉन्ड पेयर के लिए क्या लिखा, आफ्टर बॉन्डिंग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के लिए या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के लिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के लिए। फॉर एग्जाम्पल, और बॉन्ड यहाँ देखिएगा, वैलेंस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करता है, राइट। अब यहां देखिए स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए HCl मैंने लिया, क्या लिया HCl। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है जनरल। यहां देखिए, इतना कहानी किसके लिए बनाया जा रहा है, जहां पे शेयरिंग हुआ था वहां पे, वहां से ही तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रहा था जब तक कि कंप्लीट आयनिक बॉन्ड था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, राइट। तो यहां पे शेयरिंग हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दिया है, एग्री। और क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था शुरू में, 7। अब चलिए, और हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। अब इस मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ये जो दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आफ्टर बॉन्डिंग किसके लिए काउंट करेंगे, क्लोरीन के लिए, अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, राइट। आफ्टर बॉन्डिंग ये किसके लिए काउंट होगा, क्लोरीन के लिए, नॉट फॉर हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कि सर थोड़ा इसके लिए भी, थोड़ा इसके लिए भी, तब हो जाएगा शेयरिंग। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए बोलिए, बिफोर बॉन्डिंग हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, और आफ्टर बॉन्डिंग सर जो एक था वो बॉन्ड बनाने में दे दिया, लेकिन वो फिर उससे उस पर उसका पावर है ही नहीं, राइट। प्लस वन, समझे। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बिफोर बॉन्डिंग कितना, अच्छा फिर से एक बार, जिनको जिनको नहीं समझ में आया फिर से उनके लिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए बिफोर बॉन्डिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, बिफोर बॉन्डिंग वन था ना, अब हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे, वन था। आफ्टर बॉन्ड, जब बॉन्ड बनाने के लिए गया तो वो इलेक्ट्रॉन तो एक शेयरिंग में दे दिया हाइड्रोजन, और शेयरिंग में देने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट नहीं होगा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटेड फॉर, लिखवा तो दिए कितना बढ़िया से, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटेड फॉर, काउंटेड फॉर होम, काउंटेड फॉर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, क्लोरीन है या हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके लिए काउंट होगा, क्लोरीन के लिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया क्लोरीन के लिए काउंट हो गया, तब हाइड्रोजन के लिए काउंट नहीं करेंगे, राइट। अब इस इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन का पावर राइट नहीं रहेगा, अगर हाइड्रोजन का भी पावर रहेगा तो हो जाएगा लूज डॉटर स्ट्रक्चर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इससे हम लोग बचना चाह रहे हैं, राइट। ले देकर सर हम लोग इसी को वैलिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन के लिए बिफोर बॉन्डिंग कितना था स्टूडेंट, 7, और आफ्टर बॉन्डिंग सर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 7 - 8 इक्वल टू व्हाट, माइनस, लिख लीजिए। हाँ, OCl का रहता ही है, OCl एक साथ रहता है और इस पर माइनस वन रहता है, मुझे पता था और आप लोग को भी आज के बाद पता हो गया, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ रटिए, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर इसका क्या करना था, जानना था ना इंडिविजुअल के लिए, तो उसका स्ट्रक्चर है। चलिए स्टूडेंट, हो गया यहाँ तक, H2SO4, एग्री। अब इस मेथड से अगर सल्फर का निकालना रहता,
यहाँ देखिए, इस मेथड से मेथड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का निकालना रहता, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? दो। यहाँ पे भी कितना इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर? दो। यहाँ पे कितना बॉन्ड पेयर? चार। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना? चार। यहाँ पे कितना? दो। यहाँ पे कितना? दो। ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? छः ना। छः में से कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिया है? दो। दो तो सल्फर दिया होगा, दो सल्फर दिया होगा, राइट। चलिए, सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो ये बॉन्ड पेयर किसके लिए काउंट होगा? ऑक्सीजन के लिए, राइट। ये भी बॉन्ड पेयर किसके लिए काउंट होगा? ऑक्सीजन के लिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके लिए काउंट होगा? ऑक्सीजन के लिए, राइट। ठीक है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके लिए काउंट होगा? ऑक्सीजन के लिए। ए भी किसके लिए काउंट होगा? ऑक्सीजन के लिए। ए किसके लिए काउंट होगा? ऑक्सीजन के लिए। अब सल्फर ने कितना बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दिया था? सल्फर यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाए हुए? छः। और ऑक्सीजन के जस्ट नीचे ही सल्फर होता है, तो उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स ही है, राइट। तो सल्फर ने यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए छः इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किया था शेयरिंग में, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, राइट। अब इस मेथड से अगर सल्फर का निकालना चाहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या फार्मूला था? बोलना है सबको। सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग था सिक्स, आफ्टर बॉन्डिंग अब सल्फर के पास एक भी बचा? छः था, वो तो छः तो बॉन्ड में इन्वॉल्व था, और बॉन्ड में इन्वॉल्व करने के बाद उसके पास उसमें से किसी के पास किसी पे उसका पावर रहा ही नहीं, राइट। तो कितना हो गया? प्लस सिक्स, राइट। और H2SO4 में अगर इसको x मानकर भी अगर सॉल्व करते तो प्लस सिक्स ही आता, आप एक बार चेक कर लीजिए, राइट। चलिए, इस मेथड से इस ऑक्सीजन का अगर निकालते हैं तो क्या लिखिएगा? ऑक्सीजन नंबर ऑफ दिस ऑक्सीजन, सर सिक्स, और आफ्टर बॉन्डिंग एट, माइनस टू, एग्री। मैं रुक रहा हूं यहां पे, बढ़िया से सब लोग देख लीजिए। हो गया इस ऑक्सीजन का सिक्स और माइनस एट इक्वल टू माइनस टू, एग्री। हाइड्रोजन का सर वन माइनस जीरो इक्वल टू प्लस वन, राइट। बट इसमें इंडिविजुअल सबका ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे यहां पे कितना ऑक्सीजन था? चार। सबका इंडिविजुअल के लिए नहीं, ताकि इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब हम लोग बता पाएंगे। यहाँ तक आइए, हटाएं से। ज़्यादा दिन का बात नहीं है स्टूडेंट, वन वीक थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं सिचुएशन को, घबराइए नहीं। क्लास थोड़ा भी नॉर्मल होगा तो ऑफलाइन ही चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन का कुछ अलग चार्म ही है। बट अभी मैं आप लोग को रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ, बट फिर भी 6 बजे से पहले का क्लास में कोई भी आना चाहते हैं, आज तो मैं किसी वजह से लिख दिया, क्योंकि मैथ वाले सर भी आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो आपको फिर घर नहीं पहुँच पाते, इसलिए मैंने जो मैथ का स्टूडेंट था जिनका तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे है। अदरवाइज नेक्स्ट संडे से 6 बजे से पहले का क्लास, जब तक कोई नया सर्कुलर नहीं आता है, तो 6 बजे से पहले क्लास में दोनों लिखूंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो जिसमें कंफर्टेबल है, एग्री। दो तीन दिन के अंदर।
आज सुबह में कोऑर्डिनेट का क्लास ज्वाइन किए हुए थे? क्योंकि सेकेंड टाइम फिर रिवीजन नहीं दूंगा, एक ही काम बार बार नहीं करेंगे, फुल एंड फाइनल और बहुत सिस्टमेटिक वे में। ओके न्यू बैच के स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं जो इस बार क्लास ट्वेल्थ में कैटलिस्ट में आए हैं, इसमें एक मिनट लेट मी फिनिश। इसमें बहुत लोग जो मैंने काम एक दिया था, ऐसे अगर कीजिएगा तो आपके पेरेंट्स के पास कॉल करूँगा। जो काम देते हैं उस काम को बेखूबी ऑन टाइम कीजिए, अरे ओल्ड बैच को भी आज से काम मिल जाएगा। मेरे पास कॉपी सबमिट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन के लिए बिल्कुल एक व्हाट्सएप नंबर ही जनरल करूँगा जिसका नाम ही रहेगा असाइनमेंट सबमिशन व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? और इतना आप लोग मुझसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में फास्ट हैं, आपको नहीं पता है कि कैम स्कैनर या कोई भी पीडीएफ स्कैनर डाउनलोड करके वहाँ से स्कैन करके पीडीएफ बना के भेज दें, व्हाट्सएप कर दें। और जो पार्टिकुलरली डेट टाइम किसी का तबीयत एटवर्स सीजन ख़राब है वो अलग बात है, बट ऐसा मत कीजिए कि 7 डेज में आप 10 आवर का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं और उसको लिख नहीं पा रहे हैं, असाइनमेंट नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अब मुझसे बोलिएगा सर तबीयत खराब हो गया, ये हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा बताइए। तो मैं तो सिर्फ एक ही बार बोलूँगा इट्स ओके, वो भी भारी मन से, इट्स ओके। करने वाला के लिए 2 दिन काफ़ी है भाई, 3 दिन काफ़ी है जो टारगेट दे रहे हैं, बट आपको बहुत सारा सब्जेक्ट का प्रेशर है इसलिए मैं सफिशियंट टाइम दूंगा किसी चीज़ के लिए। इसे जो लोग अभी तक सबमिट न्यू बैच के नहीं कर पाए हैं वो आज और ईमेल नहीं पीडीएफ, ईमेल भी अगर करना है तो क्या ईमेल को अटैच करने के लिए नहीं आता है आपको? फाइल कैसे अटैच करते हैं? ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ जो नहीं किए हैं, सब हर स्टूडेंट का एक पार्टिकुलर उस नाम से फोल्डर बना हुआ है, बनाऊंगा, अभी बनाना शुरू कर दिया है कि आपने अभी क्या क्या काम करके मुझे दिखाया है। चलिए हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखना है मेरे पास, तो असाइनमेंट है ही ना, बस उसको सॉल्व कीजिए। और सर एमसीक्यू का क्या लिखे हैं? तो भाई एमसीक्यू का ए तो लिख सकता ना, 1 का ए। तो सर आंसर डायरेक्ट पीछे वाला पेज कॉपी करके भेज देंगे, वहाँ पे कुछ तो एक आध लाइन लिख दीजिएगा कि यहाँ पे आपने क्या सीखा, या कुछ वहाँ पे उसमें मुझे ये भी तो पता चलेगा ना, जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा वहाँ पे ही लिख दीजिएगा सर दिस क्वेश्चन मेरा डाउट है, क्वेश्चन डाउट है, वहाँ से मैं फिल्टर कर लूँगा कि आपका क्या डाउट है, राइट। अब ये नहीं करना कि सर 1 से 183 तक डाउट है। चलिए यहाँ पे न्यू बैच का स्टूडेंट, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ओके, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब बाद में आपको पढ़ाएंगे कुछ दिन के बाद कि sp2 कार्बन sp3 कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, एग्री? जो नहीं जानते हैं रट लीजिए और ओल्ड बैच के स्टूडेंट जानते हैं, राइट। sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू sp3 कार्बन, एग्री ना? तो चलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लोग कार्बन का इंडिविजुअल निकालना चाह रहे हैं क्योंकि इस कंपाउंड में एसीटोन था, अभी जस्ट निकाले थे, फ्रैक्शनल ऑक्सीजन नंबर आया था, इसका मतलब इस कार्बन में जितना भी कार्बन है तो हो सकता है उसमें मोर देन वन डिफरेंट टाइप रहेगा। बोलिए ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए काउंट होगा? कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, एग्रे? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए? कार्बन के लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए? कार्बन के लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए? कार्बन के लिए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए? बोलिए इसको कार्बोनाइल कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन, राइट। ये दोनों किसके लिए? कार्बोनाइल कार्बन।
ये चार इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मेरा मार्कर जा रहा है, मैं रुका हुआ हूँ, ये चार इलेक्ट्रॉन किसके लिए? ऑक्सीजन। समझ गए? तो इस तरीके से इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? तो सर बिफोर बॉन्डिंग तो कार्बन के पास चार था, और आफ्टर बॉन्डिंग कितना है? सिक्स ना, दो दो चार दो छ, राइट? तो 4 माइनस 6 इक्वल टू कितना? -2। और एक कार्बन और एक कार्बन डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है, सेम टाइप, टाइप ऑफ कार्बन ही पढ़ा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहेगा, राइट? अब यहाँ पे देखिए, इस कार्बन का निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बिफोर बॉन्डिंग कितना था? चार। और आफ्टर बॉन्डिंग भी कितना है? यही तो चार इलेक्ट्रॉन इसके पास है। वेरी गुड, 0 हो जाएगा। समझ गए? कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया। एसीटोन में दो कार्बन, एसीटोन में कार्बन का टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है, 0 एंड -2। एग्री? तो पहले अब एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि इंडिविजुअल निकाल कर एवरेज निकालें। तो बोलिए लोकेश, -2 वाला कितना कार्बन है? तो -2 × 2, अब 0 वाला कितना कार्बन है? और टोटल कार्बन कितना था भाई? 3। तो -4/3। तो एवरेज से जो निकाले थे, इंडिविजुअल निकाल कर जो एवरेज निकाले, अलग आया है सेम आया? सेम आ गया। बट इस मेथड का एक छोटा सा ड्रॉबैक क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी नोन, राइट? लिख लीजिए। हो गया ना? अब देखिए, समस्या कहाँ होता है? मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये मेथड आपको कितना हेल्प करेगा आगे चलकर। अच्छा, मान लेते हैं कि ये तो इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ ना है, ऐसे दे दिया, और मान लेते ये मेथड भी नहीं पढ़ाते इंडिविजुअल निकालने का। अच्छा, तब पूछते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, और कार्बन है नॉन मेटल, क्या है? और नॉन मेटल में स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा कार्बन का, नहीं याद है? तो -4 से +4 तक जा सकते हैं कार्बन का, और नाइट्रोजन का कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, याद है ना? अगले क्लास, पिछले क्लास में पढ़ाए थे, बोले कहाँ से कहाँ तक? -3 से +5। तब इस क्वेश्चन में पूछूंगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन रहता था तो एक पता था कि ऑक्सीजन का -2 लेना है, राइट? यहाँ पे इस हाइड्रोजन के लिए श्योर हैं कि +1 ले लेंगे, बिकॉज बोथ आर नॉन मेटल, राइट? बट इसके इसके लिए कैसे करेंगे? नाइट्रोजन का भी वेरिएबल ऑक्सीजन नंबर आता है, नाइट्रोजन के लिए मैं क्वेश्चन पे कोई पॉइंट लिखवाया क्या कि नाइट्रोजन का फिक्स कर देना है? कार्बन का कोई पॉइंट लिखवाया? ऑक्सीजन का लिखवाया था, सर्टेन सर्टेन को फिक्स किया गया है, और उस जो सर्टेन को फिक्स किया गया उसी के हेल्प से दूसरे का निकालते हैं, बट उसमें कार्बन नाइट्रोजन का तो कोई जिक्र था नहीं। तो अगर इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, तो आपसे सॉल्व होगा, मुझसे तो नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पे समस्या हो जाता, तो इस समस्या का समाधान सर इंडिविजुअल निकालने के मेथड से नहीं, तो HCN का कृषाणु रंजन शर्मा ज्वाइन किए हुए हैं,
HCN, तो HCN में यहाँ पे कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? चार। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, कार्बन चार बॉन्ड बनाए हुए है, इसका मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, एग्री। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन? पाँच। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितना था? पाँच। कितना बॉन्ड बनाए हुए? तीन। एग्री। अब चलिए, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, ठीक है ना? तो ये छः का छः इलेक्ट्रॉन किसके लिए काउंट करेंगे? नाइट्रोजन। ये दो, ये दो इलेक्ट्रॉन किसके लिए काउंट करेंगे? कार्बन के लिए। तो इस मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बिफोर बॉन्डिंग फोर था ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आफ्टर बॉन्डिंग कार्बन के पास कितना है? दो। तो कितना हो जाएगा? कार्बन का प्लस टू। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? बिफोर बॉन्डिंग कितना था? फाइव। आफ्टर बॉन्डिंग कितना है? एट, माइनस थ्री। एग्री। और हाइड्रोजन का तो हम लोग रटे हुए ही हैं कि नॉन मेटल के साथ प्लस वन ही आने वाला है, राइट? अब देखिए, शुरू कर गया, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन का प्लस वन, नाइट्रोजन का माइनस थ्री और कार्बन का प्लस टू। अब बिल्कुल सूटेबल भी है, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस थ्री जीरो। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं हूँ, कैसे हो गया था? स्पॉटलाइट करने के लिए बोलिए, स्पॉटलाइट। अच्छा ठीक है, हेलो। शुभांकर, अभी आज का गेम शुरू ही हुआ है, एक गेम 8 बजे तक चलेगा। चलिए, हो गया। इसी बात पे इस मेथड से CO2 का निकालना है, CO2 में कार्बन का। चलिए, इसमें आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर का भी हेल्प मिलेगा, नहीं जो हम लोग सीखे हैं, तभी तो इसका लोन पेयर पता चलेगा। ये चार इलेक्ट्रॉन किसके लिए काउंट होगा? ऑक्सीजन के लिए। ये चार इलेक्ट्रॉन भी किसके लिए काउंट होगा? तो ऑक्सीजन और कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं? फोर माइनस जीरो इक्वल टू प्लस फोर। ओके, इसका नाम क्या था? हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक। फिर से एक बार लिखें, हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, राइट?
इस मेथड से क्लोरीन का निकालना है जो मेथड अभी हम लोग देख रहे हैं, बट इसमें आपको लोन पेयर कितना है वो पता कर रहना पड़ेगा। बोलिए, ऑक्सीजन और क्लोरीन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट है, राइट? ये दो इसके लिए काउंट करेंगे, ये दो भी इसके लिए काउंट करेंगे, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सर 6 - 8 = -2। क्लोरीन का यहाँ पे कितना होगा? थोड़ा फास्ट रहिएगा। क्लोरीन का सर 7 - 6 = +1, राइट? और हाइड्रोजन का तो जानते ही हैं, नॉन मेटल रहेगा तो +1 ही रहेगा, एग्री? लेकिन इन सब में खासियत एक बात यह है कि एक्चुअली यहाँ पे क्लोरीन एक ही था, तो जहाँ पे किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट का एटम एक ही रहेगा, कितना रहेगा? एक रहेगा। तो एवरेज निकालने वाला जो फार्मूला था कि सम ऑफ दिस इक्वल टू 0, वहाँ से निकाल कर भी ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ओनली वन एटम रहेगा तो उसका इंडिविजुअल वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम हो जाएगा, एग्री? लेकिन फिर भी ये मेथड कहाँ पे आपको हेल्प करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन है तब ना, HCN के जैसा रहता तो दो वेरिएबल हो जाता, सॉल्व होता। इसका मतलब ये मेथड भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं वरदान काम करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हो गया? यहाँ बताइए, क्लोरीन का और क्लोरीन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग? 7। बॉन्ड में कितना दिया है? 3। तो बोलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा? सर 7 - 4 = what? +3। इस क्लोरीन का तो इस ऑक्सीजन का तो निकाल लीजिएगा, कितना? इस ऑक्सीजन का भी कितना है? -2। ये कौन सा हुआ? क्लोरिक एसिड। क्या इस मेथड से क्लोरीन का निकाल पाएंगे प्रैक्टिस के लिए? और HClO4 का भी तो निकाल पाएंगे? चलिए, इसमें यहां देखिए, यहां देखना है क्लोरीन कितना वैलेंसी शो कर रहा है। +1, इसमें कितना? 3, इसमें कितना? 5, इसमें कितना? ये मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक पॉइंट लिखवाया था, ये ग्राउंड स्टेट में है। यहाँ पे क्लोरीन वैलेंसी 3 शो कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये चीज़ तो 2 बार 3 बार आ गया ना, ये एक बार और एक चीज़ 2 बार आ गया है, तो इसका नाम आज के बाद रट जाना है, हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक परक्लोरिक, राइट? यहाँ देखिए, H2O2 एग्री? तो
H2O2 में यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बोलिए स्टूडेंट, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सेम है तो सेम है तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे किसका राइट रहेगा? दोनों का राइट रहेगा, लेकिन दोनों का राइट यहाँ तो रखना नहीं है क्योंकि शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? वेरी गुड, दोनों अपना अपना बांट लेगा, नहीं शेयरिंग नहीं रखा है सर, इस दोनों पे इसका भी राइट रहेगा, इस दोनों पे इसका भी राइट रहेगा, तो शेयरिंग हो गया, यहाँ पे शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा लियोजर के लिए, राइट? ऑक्सीजन नंबर के लिए, समझे यहाँ पे मेरा बात को? तो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहेगा, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जहाँ पे सेम रहेगा वहाँ पे शेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वली बांट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, एग्री फॉर अप्लाइंग दिस मेथड, करेक्ट? तब ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताइए, बिफोर बॉन्डिंग कितना? 6, आफ्टर बॉन्डिंग कितना? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, कितना? -1। अब -1 होना भी चाहिए था क्योंकि इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 ही होता है, इसका ना जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा वहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको दोनों में इक्वली बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, शेयरिंग में नहीं रखेंगे, नॉट लाइक लुईस डॉट स्ट्रक्चर कि इस पे इसका भी राइट रहेगा, इसका भी राइट रहेगा, एग्री? चलिए इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड, सब ऑक्साइड ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है? ऐसे इसमें कार्बन का निकाली तो कितना आता है एवरेज? एवरेज ओके, क्या ऐसे निकाले हैं 3x-2 × 2 = 0, देन x इक्वल टू व्हाट? 4/3। तो फ्रैक्शन यहाँ भी आ गया, इसका मतलब डैम्स और इस कंपाउंड में कार्बन का ओनली वन है या मोर देन वन है? मोर देन वन है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोर देन वन है तो इंडिविजुअल निकालने के लिए इसका स्ट्रक्चर पता होना पड़ेगा, एग्री? तो कार्बन सब ऑक्साइड का यह स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं देख, इट इज काइंड ऑफ क्यूमिलिन्स, एनीवे देखिए न्यू बैच के स्टूडेंट अभी के लिए बस आप थोड़ा बहुत कुछ बातें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, इस कार्बन का ऑप्शन है sp, इसका भी क्या है sp और इसका भी क्या है sp कार्बन, एग्री? यहाँ देखिए यही एक पॉइंट इसका ड्रॉबैक था इंडिविजुअल निकालने का, क्या स्ट्रक्चर शुड बी नोन, ओके बर्निल, स्ट्रक्चर पता होना पड़ेगा, तो इस चार पे किसका राइट रहेगा? ऑक्सीजन का, इस चार इलेक्ट्रॉन पे किसका राइट रहेगा? यस सर, इक्वल बांट लेंगे, वेरी गुड, इन चार पे सर ए भी अपना इक्वल बांट लेगा, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, राइट?
और इस चार पे किसका राइट रहेगा? क्यों इक्वल बांट लिया था कार्बन कार्बन का कि सर ऑल आर एसपी कार्बन, तो एसपी कार्बन एसपी कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्यों हम ऑलमोस्ट क्या मानेंगे, सेम मानेंगे राइट। चलिए इस मेथड से इस कार्बन का कितना बिफोर बॉन्डिंग 4 था और आफ्टर बॉन्डिंग 2 है, तो कितना हो जाएगा +2। इस कार्बन का बिफोर बॉन्डिंग 4 और आफ्टर बॉन्डिंग भी 0 राइट, बिफोर बॉन्डिंग 4 आफ्टर बॉन्डिंग 4, तो 4 - 4 = 0। और इस कार्बन का सर +2 नहीं, इसका मतलब कार्बन सब ऑक्साइड में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, दे आर 2 डिफरेंट टाइप +2 + 2 = 0। एग्री ओके। हो गया थोड़ा होना चाहिए, बट -4 कैसे होगा, ऑक्सीजन का -4 कैसे होगा भाई, बिफोर बॉन्डिंग 6 था आफ्टर बॉन्डिंग 8 है, ओ सॉरी ओहो, ऐसे भी ऑक्सीजन का 10 नहीं उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आउटर मोस्ट में, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है। ये तो मैं चेक कर रहा था कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, -2 -2 ये ऑलमोस्ट एसपी है, तो एसपी है तो ऑलमोस्ट सेम ही रखेंगे ठीक है। इसका नाम है लिखिए सोडियम थायोसल्फेट, क्या नाम है सोडियम थायोसल्फेट, लिख पाएंगे इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, हाँ एवरेज एवरेज टाइप करके, तो इसका एक्स मान लीजिए था 2x और 2x अब +1 × 2 सोडियम के लिए अब -2 × 3 इक्वल टू व्हाट 0, तो सल्फर का कितना हो गया +2 ना, Na2S4O6 इसमें सल्फर का बताइए, ये कहीं पे हम लोग को काम में आएगा इसलिए इसका हम लोग निकाल रहे हैं 4x, वेरी गुड -2 × 6 = 0, देन x इक्वल टू कितना 2.5। देखिए मैंने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, देख पा रहे हैं
चलिए न्यू बैच के सॉरी ओल्ड बैच का स्टूडेंट इस सल्फर का ऑक्सीडेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका ये भी तो बताए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर और लोन पेयर। वेरी गुड, sp3 कार्बन। और सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ये सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिया, 2, इसके पास 4 तो बचा हुआ होगा, तो उस मेथड से इसका ऑप्शन कितना, वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 और लोन पेयर 2, राइट, sp2। तो sp3 सल्फर और sp2 सल्फर में किसका इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा रहेगा, sp2 का। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, चलो ध्यान से देख रहे हैं। तो इस सल्फर का ये चारों इलेक्ट्रॉन किसके लिए काउंट करेंगे, इस सल्फर के लिए काउंट करेंगे, एग्री। तो इस तरीके से इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा सर, 6 माइनस माइनस 2, और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा, वो वाला नहीं, वो काउंट यहाँ जो निगेटिव, मैं एक मिनट रुके, मैं समझ गया, यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात करेंगे तो उसको न्यूट्रल फॉर्म में देखिएगा, निगेटिव ऑक्सीजन पे आ गया है तो उसका इलेक्ट्रिक कार्बन से भी कम, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, वो इलेक्ट्रोनिटी कौन सा कंपेयर करना है, न्यूट्रल फॉर्म वाला, राइट। तो उस तरीके से ये वेदांग का कन्फ्यूजन था, वो आप लोग को समझ में आया कि उन्होंने क्या सोचा, इसलिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी का जो मैं बात किया हूँ वो न्यूट्रल फॉर्म में जो पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ रहता है उस वो देखिएगा, राइट, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं, वो वहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0 इक्वल टू व्हाट 6 हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल फॉर्म में जो है वो वाला कंपेयर करते हैं, लेते हैं। देखिए इट इज, हाँ माइनस चार्ज है, लेकिन माइनस चार्ज एक्चुअल में माइनस चार्ज का यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा तो नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे है तो शेयरिंग में, बट यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर बनाना है, इसलिए देखिए ये जो मेथड पढ़ा है क्या कोई रूल नहीं, इट इज काइंड ऑफ ए ट्रिक, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, एक शॉर्टकट ट्रिक आपको देख रहा हूँ, ठीक है। और किस डिफिनेशन को, ये हाइपोथेटिकल, एक इज इट रियल कॉन्सेप्ट, ये एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है, तो इमेजनरी कॉन्सेप्ट में कुछ तो इफ एंड बट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक कंपेयर करेंगे तो सल्फर और ऑक्सीजन के टाइम पे वो माइनस नहीं सो जाएंगे कि हाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव है तो ऐसा करना है वैसा कर, समझे। यहाँ पे जस्ट न्यूट्रल फॉर्म, ऑक्सीजन सल्फर जिस टाइम पे बॉन्ड बना रहा होगा उस टाइम का सिचुएशन है। एनीवे इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में सल्फर का और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था +2, इंडिविजुअल कितने टाइप का था, 2, कौन कौन सा, -2 प्लस 6। तो इंडिविजुअल निकाल के एवरेज निकालिए तो देखिए तो आंसर क्या वही आता है, +6 वाला 1 सल्फर है और -2 वाला भी 1 सल्फर है और टोटल सल्फर 2 है, राइट, +2 आया। इसका मतलब फार्मूला से, यहाँ देखिए फार्मूला से एवरेज जो निकालते हैं और स्ट्रक्चर से इंडिविजुअल निकाल के जो एवरेज निकालते हैं दोनों मैच करना पड़ेगा, और दोनों अगर मैच कर गया तब करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है, एग्री।
इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कितना हो जाएगा? चलिए 16/3। चलिए अब यहाँ पे ब्रोमीन का इंडिविजुअल बताइए। ये दो यहाँ पे ब्रोमीन ने कितना अपना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किया है? ऑल सेवन, सेवन बॉन्ड बनाए हुए, राइट? यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया है? छः ना, छः बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा? एक। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। फ्री रेडिकल तब बोलते हैं जब बी आर ऐसे रहेगा, सारा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, अभी तो बॉन्ड के फॉर्म में है। चलिए अब बोलिए, इस दो इलेक्ट्रॉन पे इसका राइट और इसका राइट इक्वल रहेगा, एग्री? इस ब्रोमीन का भी हाइड्रोजन sp3 है, इसका भी हाइड्रोजन sp3 है, इसका भी हाइड्रोजन sp3 है, ऑल आर sp3 ब्रोमीन, राइट? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लोन पेयर क्या हाफ बोलेंगे या जीरो, तो स्टेरिक नंबर भी 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन इज sp3। न्यू बैच के स्टूडेंट आप लोग को पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन, घबराने की बात नहीं है। सेम फॉर दैट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लोन पेयर 0, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन, तो सबका हाइड्रोजन sp3 है, तो sp3 ब्रोमीन, तो मोटा मोटी क्या मान के चलेंगे, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरीके से अगर इसका ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं तो बिफोर बॉन्डिंग 7 था, आफ्टर बॉन्डिंग कितना हो गया? 1 ही तो रहा, +6। बिफोर बॉन्डिंग कितना था? 7। आफ्टर बॉन्डिंग इसके पास कितना बचा? 1, 2, 3, एक तो बचा हुआ था ना, तो +4, राइट? ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि इतना एग्जाम्पल काफ़ी है आपको समझाने के लिए कि हाउ कैन बी फाइंड आउट द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर बाय मेथड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट? बट व्हाट द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड? अरे मेथड किसके लिए? कोवेलेंट, ए मेथड कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर पता होना पड़ेगा, राइट? आयन शुभांकर, आयनिक बॉन्ड तो पहले से आयनिक बॉन्ड बन रहा है NaCl, तो वहाँ तो पहले से पता है कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, उसमें क्यों लगाएंगे? ये समस्या पैदा कब हुआ था, क्यों हुआ था? ये तो जहाँ से शेयरिंग होना, यस, आयनिक बॉन्ड में तो कहीं पे डाउट है क्या कि ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? हो गया?
चलिए फिर भी एक ब्लीचिंग पाउडर को लेकर आप लोग के मन में डाउट था, चलिए इसको इसका स्ट्रक्चर कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा आप। ब्लीचिंग पाउडर का इस तरीके से भी कहीं पे स्ट्रक्चर मिला मिल सकता है आपको, CaOCl Cl, राइट। चलिए इस दो इलेक्ट्रॉन पे किसका राइट, क्लोरीन का, इस दो इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन का, इस पे कितना किसका ऑक्सीजन का, तो इस तरीके से इस क्लोरीन का कितना 7-6 = +1 और इस क्लोरीन का कितना 7-8 = −1। तो एवरेज 0, अरे तो उस मेथड से निकाले तो एवरेज 0 ही आया था। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग PDF फाइल जब बनाते हैं तो उसमें रीनेम करने आता है ना, राइट क्लिक कीजिएगा तो रीनेम हो जाएगा, नहीं तो वहाँ पे जब PDF किसी टॉपिक का भेजिएगा तो अपना नाम लिखिएगा लाइक मिस्टर राकेश कुमार, नहीं और साथ में टॉपिक का नाम लाइक मोल कॉन्सेप्ट का, पहले नाम, सब लोग देख पा रहे हैं, होम असाइनमेंट जो भी रहेगा, राइट, XYZ। और यहाँ देखिए मैं काम को बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा कि एक फोल्डर बनाऊँगा, ठीक है स्टूडेंट, ओल्ड बैच, और ये फोल्डर रहेगा लेटर सपोज गैसियस स्टेट का, किसका, या मोल कॉन्सेप्ट का, समझे या नहीं समझे, यस। और इसमें सारा PDF जो आएगा उसमें इसमें डाल दूंगा और फिर मैं एक लिस्ट निकालूंगा अल्फाबेटिकल नाम वाइज, अरे पता नहीं ये करने से कर्सर वहां पर चला जाता है, वैसे चेक कर लूंगा 1 by 1, मतलब मुझे है मैं इसमें प्रॉपर टाइम दूंगा असाइनमेंट मांगा कर, मैं ऐसा नहीं कि हाँ प्रॉपर देखूंगा कि आपसे वहाँ पे 2-3 जगह आप मुझे आप लोग डंडी मार सकते हैं जहाँ पे मैं आपको नहीं पकड़ पाऊँगा, हालांकि बताऊँगा नहीं कि कहाँ पे नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में MCQ रहेगा भाई, कोई डायरेक्ट ऑप्शन कैसे मार देगा, कैलकुलेशन करना पड़ता राइट, डायरेक्ट आंसर आए ऑप्शन आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिकेशन में कुछ तो लॉजिक रहेगा, ये आंसर आया ओके, यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, आप खुद के लिए बना रहे हो ना असाइनमेंट प्रोजेक्ट कि एग्जाम से पहले मेरी रिवीजन हो जाए, तो उसमें एक लाइन तो लिखेंगे हाँ यहाँ पे मैंने इसका डोनर देखा, डोनेटिंग पावर ज़्यादा है राइट, कुछ तो पॉइंट जैसे मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे माइंड में आता है अच्छा यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ, तो वो सोच वो थॉट एक लाइन लिख देंगे अपना, क्योंकि वो तो कॉपी आप ही के पास रहने वाला है, मेरे पास सिर्फ PDF आएगा, एग्रे। ये मैटर नहीं करता है, आप अपना स्पीड के साथ बनाइए, ये मैटर मेरे लिए नहीं करता है, क्योंकि मुझे मैं तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा एक देखिए विधान, एक तो पढ़ रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा राइटिंग अच्छा कर लेंगे तो दो फायदा, बोर्ड का क्वेश्चन बैंक अगर बना रहे हैं, देखिए राइटिंग अच्छा करके, अब उसमें कैलकुलेशन में जैसे मेरा एक हैबिट था कि मैं बड़ा नीट एंड क्लीन लिखता था, उसमें मुझे मन लगते रहता था पढ़ने में, मुझे अपना खुद का नोटबुक देखकर अच्छा लगना चाहिए, मतलब ये मेरा अपना एक मतलब क्या था, क्या अगर किसी तरीके से ख़राब तरीके से लिखते थे तो मन अजीब सा होता था, पढ़ने का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता था, तो मैं इसमें अपना 100% नहीं दे रहा हूँ, नहीं कैलकुलेशन पार्ट में बिल्कुल ऐसे साइड में रफ कैलकुलेशन कीजिए, डजंट मैटर, बट बाकी एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस, मतलब मैं चाहता हूँ कि किसी एक मिनट मैं चाहता हूँ किसी क्वेश्चन को आप लोग बना रहे हो तो उस टाइम पे उस क्वेश्चन में अपना 100% दो, मतलब कहने का सेंस यह है
ऐसा नहीं बना रहे हैं बस बन जाना चाहिए, नॉट बाई वर्क, मतलब वो आज एक मोल कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉपर मेरे माइंड में आ रहा है, मैं रिविजन कर रहा हूँ, मैं राकेश सर के डर से नहीं, मेरे डर से मत पढ़िए, ये आपका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब खुद का इंटरेस्ट उसमें ले आना है। हाँ बोलिए शाहबाज। आप नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आज वो जो कर लिए मैं भूल गया, अब मैं खुद ही आज से देना शुरू करूँगा, ठीक है? सेकेंड टाइम कर लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम रहेगा या स्पीड ज़्यादा हो जाएगा? मैं एच सी वर्मा का 5 बार बनाया होगा, मुझे आज भी पूछिएगा तो एच सी वर्मा कौन सा सर कितना नंबर क्वेश्चन, मोटा मोटी क्वेश्चन नंबर तक याद हो गया था, इतना इंटरेस्ट बनाए थे। कल एक सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन बनाए थे, सॉल्यूशन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? अच्छा अभी तक सॉल्व नहीं किया हो? दो इक्वेशन था, दो इक्वेशन दो नॉन, कैसे नहीं सॉल्व होगा? दो इक्वेशन दो सॉल्व ही नहीं हुआ है, क्यों नहीं किए थे? सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन था ट्रायंगल का, आंसर आया है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है? इतना बढ़िया क्वेश्चन था। ओके कल तो क्लास के बाद फिर आरके सर का भी क्लास था ना, ओके ओके, लेकिन उसको सॉल्व करने में हाफ ना पड़ेगा मैक्सिमम, वो क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना था। एनीवे अब सेकंड मेथड लिखिए, मेथड सेकेंड मेथड, एक कौन सा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? इसका मैं एक अलग अपना नाम दे दिया हूं, मेथड ऑफ बॉन्ड, क्या नाम दे दिए हैं? यस, यहां देखिए एक कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है, होमोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड या हेटरोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना? और ये कौन सा है, होमोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का, व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जहां पे मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पे एक हम लोग इमेजिनरी थॉट क्या किए थे कि हेट्रोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड में, किसमें? हेट्रोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या सपोज करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, राइट? इसका मतलब ये हुआ, और यहां पे कितना बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहता है, दो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ए, और एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अगर बी ग्रेटर देन ए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो हो तो रहा है शेयरिंग, बट हम लोग क्या सोचेंगे, शेयरिंग या कंप्लीट ट्रांसफर, और कितना इलेक्ट्रॉन का, कहां से कहां तक, यस एक मिनट, नॉट टू इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ, राइट? ए से, और ए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, दो, एक, यस एक तो एक बी का ही था, इसलिए इसका क्या रहेगा +1, इसका क्या रहेगा -1,
तो यहाँ से मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश ये किया, यहाँ से लिखना नहीं है अब नेक्स्ट क्लास, यहाँ से मैंने ये समझाने का कोशिश किया कि हेट्रोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा हेट्रोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा तो उसमें सिंगल हेट्रोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड के पास एक पावर है, क्या पावर है, वो वन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को देगा मैग्नीट्यूड वाइज, क्या देगा, यस हेट्रोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड वन ऑक्सीडेशन नंबर देता है दोनों को, बट किसको प्लस वन देगा किसको माइनस वन देगा, इसको माइनस वन देगा इसको प्लस वन देगा, ये शॉर्टकट ट्रिक राइट, ये आप भी जान रहे हैं कि प्लस वन माइनस वन क्यों हो गया है, इसका मतलब है, एक मिनट लिखना नहीं था मैं लिख पाऊंगा, इसका मतलब हेट्रोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट हाउ मेनी ऑक्सीडेशन नंबर वन, बट माइनस वन किसके लिए और प्लस वन किसके लिए, वो अप्लाई योर कॉमन सेंस, माइनस वन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के लिए और प्लस वन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के लिए। तो सिमिलरली अब यूनिटरी मेथड, अगर डबल डबल बॉन्ड रहेगा तो वन सिंगल हेट्रोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन नंबर वन कंट्रीब्यूट करता है दोनों के लिए मैग्नीट्यूड वाइज, तो डबल बॉन्ड रहेगा दो बॉन्ड रहेगा तो दो कंट्रीब्यूट करेगा, और माइनस टू किसको देगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को, और प्लस टू किसको देगा, ये तो इसे तो सुपर फास्ट हो जाइएगा आप लोग लिख पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं, और ए ए तीन कंट्रीब्यूट करेगा राइट, माइनस थ्री, और जब चार रहेगा तो न्यू बैच, होता ही नहीं है। चलिए तो आज का क्लास यहाँ पर ही बाइंड अप करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, और मिलते हैं आफ्टर टी ब्रेक 6:30 में विथ थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स। ओके थैंक यू, अभी मिलेंगे स्टूडेंट, थोड़ा वेट कीजिए, हाँ।